वो अंकल कैसे बैठे हैं। सो गाइस अभी हमें टोक फाटक की तरफ जो महेश नगर से क्रॉस किया है मैंने रास्ता, अभी रिसेंट आप देख रहे थे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइस। आज हम जा रहे हैं रोबोट रेस्टोरेंट में। देखते हैं वहाँ पे क्या सीन मिलता है अपन को, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। तो आप वीडियो पे बने रहे एंड चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें हर बार की तरह एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपके पास में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो ये देख रहे हो, ये टोक फाटक की तरफ रास्ता जा रहा है। जयपुर में भसड़ मचाने का मज़ा कुछ और ही है गाइस। जयपुर में मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया है, जयपुर से ही मैंने व्लॉगिंग पकड़ी है। तो जयपुर की तो भाई गलियाँ गलियाँ जानते हैं और बहुत सारे व्लॉग बनाए मैंने यहाँ पे। अगर आप भी जयपुर से हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना, और जयपुर में कोई कंटेंट हो भाई के लिए तो मैं वो सजेस्ट करना इंस्टाग्राम पे। ला 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 जीना सिखा दिया। 800 के प्यार में बदनाम हुआ था और 200 NS ने मेरा नाम बना दिया। जिस 800 में बैठ के तुम औकात दिखा रहे हो उसे भी चुटकिया में सलट देंगे। ये NS वाले हैं, दिन दिन में रात कर देंगे। राम राम। इन देख रहे हो ये विधान सभा, और यहाँ से जाएंगे हम स्टैचू सर्कल, देन जाएंगे 5 बत्ती। वाह व्हाट अ लोकेशन मैन। बहुत दिन बाद आया हूँ यहाँ पे मैं। पहले डेली गेड़िया इधर मारते थे, गणपति प्लाजा, राइजर प्लाजा, ये सारे ब्लॉक किए थे जब मैं यहीं से निकला करता था। ये देख रहे हो, ये है अमर जवान ज्योति। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी मैन। ये सामने आ गया अपना स्टैचू सर्कल। टॉप रोड पे एक्सीडेंट हो गया। 2 बंदे बुलेट से जा रहे थे गांधी नगर स्टेशन के सामने से, तो भाई उनके पास में हेलमेट नहीं था और लो फ्लोर उनके ऊपर से चढ़ा के ले गई, और उनका जो सर था उसके ऊपर से टायर को भाई कुचलते हुए ले गई थी लो फ्लोर। सो गाइस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार प्लीज़ आज ही हेलमेट बाय कर लेना। दोस्तों हमारे देश में कोरोना वायरस के सिर्फ 50 मरीज है, फिर भी लोग डर के मारे मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे। ये अच्छी बात है, लेकिन बाइक एक्सीडेंट में रोजाना हजारों लोगों की मौत हो जाती है, फिर भी लोग हेलमेट नहीं लगाते। प्लीज हेलमेट लगा लो यार, लगा लो यार प्लीज। अपनी लाइफ से बहुत सारी लाइफ लिंक होती है, लाइक फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स एंड ऑल। सबको प्रॉब्लम होती है किसी एक की लाइफ खराब हो जाने से। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वेयर द हेलमेट। आदमी को इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए भाई। बुलेट जैसी हैवी बाइक पे हेलमेट लगाना बहुत नेसेसरी है। अब यूट्यूब पे आ जाएगी जी फोटो। पूरे हीरो लाला, अच्छा पूरे हमारी दुकान आ रही है साहब इसमें तो, और क्या है भाई यूट्यूब पे आ जाएगी वास्तव में भैया। पूरे ये तो टीवी यही रहना चाहिए, सही चीज़ है अजी साहब, बहुत अच्छा सही वार्ड लगा। हेलीकॉप्टर बना दिया आपने तो हेलमेट पे। वीडियो बनता है क्या? सही है। मालूम भी नहीं पूरा ठीक है भाई। टिकटॉक पर डालते हैं। ट्रैवलिंग, घूमना फिरना बस भी। फाइनली आ गए हैं रोबोट रेस्टोरेंट में। जैसा मैंने राइड में स्टार्ट किया तब बताया मैं मानसरोवर प्लाजा से यहाँ तक आया हूँ 5 बजे तक, और भाई से मिलने के लिए आया हूँ मैं स्पेशली। भाई अपनी यूट्यूब फैमिली का मेंबर है, तो भाई से मिलने का प्लान तो भाई मैंने अलवर में बना लिया था। और अलवर से मैंने जयपुर तक की राइड करी, और मैंने जयपुर में कौन कौन सी राइड किया भाई को बता देता हूँ। मैं आते ही सबसे पहले गया नाहरगढ़ फोर्ट, उसके बाद मैं गया मैं जल महल। जल महल के बाद में जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, जहाँ पर मैंने स्टे किया हुआ है, वहाँ पर मैंने कोरोना का जो भी सीन था जो चल रहा है जयपुर में वो सारा सीन बताया। और भाई का भी चैनल है यूट्यूब पे, भाई किस नाम से बताओ? भाई मेरा चैनल अथर्व ऑफिशियल के नाम से, ATHARVOFFICIAL अथर्व ऑफिशियल। भाई लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन, भाई डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भाई की इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। भाई अच्छी अच्छी पोस्ट वगैरह डालता रहता है। भाई ने अमित बढ़ाना के साथ भी फोटो डाल रखी है, तो भाई को जरूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पर। भाई के चैनल पर विजिट करना, अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करना। भाई फुल मैं तो यही कहूँगा सपोर्ट करना। और ये वीडियो का मैं भी बना रहा हूँ, तो मेरा कुछ पार्ट आप मेरे चैनल पर देखना, और बाकी जो फुल डिटेल की वीडियो भाई के चैनल पर ही आएगी। बेसिकली कोलैबोरेशन है हमारा। तो भाई ने मतलब मेरे एक मैसेज पर ही उन्होंने मुझे इतना प्लान अपना बना के आए, मुझसे मिलने आए, तब फोन पे भी बात नहीं करी, मतलब मैसेज पे सब कुछ सेट हो गया। इतना ट्रस्ट था, और भाई काफ़ी हम्बल अच्छे इंसान है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को इनके, और भाई को इतनी बड़ी फैमिली दे दो कि भाई का मोटिवेशन बढ़ता रहे, और ऐसी वो वीडियोज़ बनाते रहे आपके लिए। अच्छा लगता है भाई कोई भी मतलब मिलने आता है। कोरोना का इतना डर फैला हुआ है, आप देखो मैं भी मास्क लगा के आया, और भाई भी पूरा सेफ्टी से आए हैं। पर फिर भी आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए भाई ने रोबोट रेस्टोरेंट का मेरे साथ कोलैबोरेशन करने की सोची, तो उसके लिए भाई को हैट्स ऑफ भाई। अब इतने थैंक यू भाई आए। तो यहाँ पे रोबोट रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रोबोट थीम पे बेस्ड है। जो भी अपन ऑर्डर देंगे मैनुअली जो भी देंगे, तो रोबोट यहाँ पे चल के आएगा, अपनी ट्रे लेके आएगा, और वो कैसे कैसे होगा वो सारा सीन मैं आपको दिखाऊंगा। आप अभी थोड़ा सिनेमैटिक लिया मैंने, वो एंजॉय करो, देन आपको दिखाते हैं ये किस किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। ये रोबोट जो आप देख रहे हो सारा बताएंगे आपको। नॉर्थ इंडिया का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट है। हमने इसकी स्टार्टिंग की थी 2030 मई को, हमने लॉन्च किया था जयपुर के अंदर। जयपुर में पहले कोई रोबोटिक रेस्टोरेंट नहीं थे, पहला रोबोट रेस्टोरेंट हमारा ही था। इसके बाद काफ़ी लोगों ने हमारी कॉपी की है, दिल्ली में भी होने वाला है, ओके जयपुर में आएगी। हमारा जो रोबोटिक है फुली ऑटोमेटिक है, जापान से इसके इंस्ट्रूमेंट आए हैं, और ब्रिटिश प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट को रेडी किया है। ये रोबोट है हमारा करीबन 10 लाख का है, और इससे पहले वाला रोबोट था वो 20 लाख का रोबोट था। लेकिन वो लोगों को समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि फीचर्स ज़्यादा थे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि किड्स आते हैं, किड्स को क्या होता है कि टैब रहते हैं वो छाने में लगे रहते हैं, तो इसकी वजह से समझ में नहीं आया। तो हम इसको चेंज करके बिल्कुल सिंपल थीम पे जो बेस्ड है जैसे कस्टमर आएगा मैं बताता हूँ आपको। ये ओपन डोर होता है यहाँ से, ठीक है। ये हम एग्जिट का रखा है हमने, ये तो आपने क्लोज कर रखा है। अच्छा नाइट के लिए ओपन क्लोज इससे होता है नाइट ओके पार्ट, वो गेट हमारा बंद हो जाता है। वेटिंग एरिया हमारा बाहर का है सर, बाकी आप देख सकते हो वहाँ से हमारा काउंटर स्टार्ट होता है। ये काउंटर है, रोबोट हमारा यहाँ पे खड़ा होता है। जब वो टेबल पे स्पेसिफिक आपने इसकी जगह बना रखी है, मतलब यहाँ जगह सर जैसे जाएगा तो मैं इसमें कंट्रोल करूँगा, जैसे 1 है 2 है 3 4 है, तो जैसे मेरे को 3 पे भेजना है तो 3 से कंट्रोल और 3 पे जाके आएगा, वहाँ से फूड लेके। बाकी आपने यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा रखा है, प्रोजेक्टर है क्योंकि हमारे जैसे मैच चलते हैं, अभी IPL स्टार्ट होने वाला है उसके लिए प्रोजेक्टर है IPL के अंदर है। अभी कोरोना के चक्कर में उसको पोस्टपोन कर रखा है IPL सर, ऐसा ये कोरोना है तो देखो सर मार्केट है ये तो कभी क्या अप डाउन होता रहता है। तो एक बार आप इसको चला के दिखाएंगे सर, एक बार रोबोट को सेंड करना 5 पे सेंड कर देना अभी। अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया। आप जैसे ये एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर रखा है आपने, इसका कोई एप्लीकेशन होता है? सर एंड्रॉइड है, एप्लीकेशन होता है, ये रोबोटिक है तो इसके अंदर ऐप होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा डिक्लाइंड होता है इसके अंदर। अब इसमें कोई चीज़ रख दीजिए ना, जैसे मैं इस पर मेनू कार्ड रख दूँगा, जैसे आप 5 पे जा रहा है, 5 पे सेंड करना है, 5 पे जाएगा, वहाँ पर मेनू देके आएगा। आ जाओ भाई आ जाओ। रूबी आ गई आपके पास। Dear guest, your order has been delivered. Thank you. और ये इनका मेन्यू है। Hello, here is your dish. पहले हमारे ये होता था कि रूबी के साथ टैब्स सेट करते थे। Thank you. आपने मेन्यू लिया तो ऑर्डर उसमें ऑटोमेटिक होते थे, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आया तो हमने इसका डिफरेंट कंसेप्ट कर दिया यहाँ पे। तो आपने आपको मेन्यू दे दिया, आप इसको एग्जिट करोगे निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आप कुछ ऑर्डर करोगे, अब आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर इसमें आएगा। आप ऑर्डर मैनुअली भी कर सकते हो, यहाँ पर स्टाफ है तो आप उनको दे सकते हो, चाहो तो उसके थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हो अच्छे तरीके से। और भाई को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा लग रहा है, अच्छे से एंजॉय करो। तो भाई चैनल पे कैसे आया मेरा ये बताओ, ये चीज़ तो पूछना भूल गया मैं। चैनल पे कैसे आया? हाँ चैनल मैंने आपका, मेरा फ्रेंड है वो आपको मतलब फॉलो करता है, कौन नाम है उसका, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे एक तुम्हारी तरह ब्लॉगिंग करते हैं भैया और काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं। मैंने देखा चेकआउट करके तो मुझे फिर थोड़ा इंटरेस्ट आया, डेवलप होने लग गया देखते देखते। गया कब की बात है? ये 2-3 महीने पहले की बात है। 2-3 महीने थोड़ा सा मतलब आपका मैंने देखा था BHU देखा था, आपने BHU डाला था ब्लॉग। कहाँ का? BHU का। हाँ। तो मैंने वहाँ से पूरा देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा यार कभी चांस मिला तो बात करके देख लेंगे एक बार। बनारस गया था मैंने BHU बनारस के बहुत सारी चीज़ डाली थी मैंने, फेमस पान शॉप की और होटल वगैरह की, वहाँ पे तगड़ी डाली थी मैंने। कैंपस में गए थे आप? हाँ, और गंगा घाट भी दिखाया था। गंगा घाट पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हुई। फिर मैं कसोल गया था, वो कसोल वाली सीरीज़ देखी होगी मेरी। हाँ देखी है, कसोल, मणिकरण, धर्मशाला, सारा गया था। अभी वो मोटिवेशन आया है आपका भी नया HF Deluxe को भी दिखा। हाँ HF Deluxe का रिसेंटली मैंने मॉडिफाइड वीडियो बनाया है, एक वीक में उसमें 10K कुछ होने वाले हैं व्यूज़, सही चल रहा है मतलब। तो भाई किस चीज़ के कंटेंट बनाते हो आप? मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग्स टाइप है, कोई इवेंट्स होते हैं जयपुर के अंदर उसके मैं व्लॉग बनाता हूँ, और इसके अलावा अपने फनी क्विज़ चलती रहती हैं, मतलब मेरे इस तरह सब ऑलराउंडर सब है पूरा, मतलब जो पसंद आया वो डाल दिया अपने अकॉर्डिंग। सही है भाई, ऐसे ही डालना चाहिए। सोच रहा हूँ मैं अगर आपको ब्लॉगिंग पसंद आ रही है तो ब्लॉगिंग पर ही मैं बेस्ड उसी पे कंटेंट डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा। ऐसे प्लेलिस्ट बना दी जाएगी ब्लॉग्स की पूरी, और इसके अलावा इवेंट्स वगैरह होंगे वो को दिखाए जाएंगे, काफ़ी अच्छे इवेंट्स होते हैं जयपुर में। तो हाँ भाई को भी बुलाएंगे कभी इवेंट। मैं रहता था तब भी मैं एक इवेंट में गया था, भोई मियाँ पाजी से मिला था मैं, जो मेरा ड्रीम था, भोई मियाँ पाजी से मिला था। और मैं काफ़ी सारे मतलब उसमें गया था, ये अपने होते हैं ना क्रॉस ब्लेड के, काफ़ी सारे होते हैं यहाँ पे, तो इवेंट होते रहते हैं भाई। तो ऐसा सीन है, बाकी सैनिटाइज कर लो एक बार। सैनिटाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है, बहुत डिमांड है इसकी, बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई। मैंने तो क्या एक साथ ही ले आया मैं पूरा, वो डिटोल का मिलता है ना, वो तो भाई काफ़ी कॉस्टली बैठ रहा है इस टाइम। डिटोल लाइफ बॉय गायब हो चुके हैं मार्केट से। हाँ, अब और वो मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, मिल रहे हैं। हाँ, और वो भी सही मतलब इंडस्ट्रियल एरिया तो बन जाते हैं। हाँ मैन्युफैक्चरिंग के। सो गाइज अब हम यहाँ पे खाते हैं कुछ फूड खाने के बाद में आपको टेस्ट बताते हैं यहाँ का, तो एंजॉय करते हैं। रूबी कहाँ गई? एंड गाइज इंस्टाग्राम पे आप मेरे को ज़रूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैं सबसे पहले अपडेट डालूंगा। किस चीज़ की? इसी की और भी से मस्त अच्छे कंटेंट्स की, और आते रहेंगे कंटेंट्स। तो ओके, तो अब फूड खाते हैं और आपको बताते हैं क्या टेस्ट रहता है, क्या सीन रहता है, राइस क्या। तो अब इसको खा के दोनों भाई टेस्ट बताएंगे कैसा है। तो सॉस डाल इसमें। काफ़ी स्टफ लग रहा है मुझे ये, एकदम सच बताऊँगा मैं। आप जेन्युइन रिव्यू चाहिए आपको। ओके आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए या फिर आप डेली कस्टमर हैं? फर्स्ट टाइम आए। ओके तो थैंक यू आपने फीडबैक दिया। सो बाय रूबी। हेलो बहुत हो गया, बाहर मिलते हैं गाइस आपसे। सो इसी के साथ में खत्म करते हैं। हमने आपको दिखाया रोबोट रेस्टोरेंट और आरतो भाई से मिलाया आपको। हाँ भाई कैसा लगा? आप बताओ, आप हमारे मेहमान हो। हाँ तो आपको कैसा लगा आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ गाइज। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, बड़ी मेहनत करिए भाई। और भावबाजी बिना करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत तगड़ा होने वाला है तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डिस्क्रिप्शन में डाल देना चैनल का लिंक। हाँ और भाई का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा और किचन में मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन हमारा अच्छा खासा बना रहेगा और ऐसा सपोर्ट रहा तो भाई आगे भी वीडियोस बनाएंगे काफ़ी सारे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ।